बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोकन व्लॉग में मोहम्मद अबकर आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़े। बनाना बहुत ही आसान है और इतना लजीज और मजेदार बनते हैं और इतना क्रिस्पी बनते हैं और ये कैसे टूटते नहीं है और इनमें जो है कालापन कैसे लाया जाता है, आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पहले पहले जो है हमने आलू ले लिए। तो आलू को छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा मिसाला है, वो है हमारे पास जो है लहसुन और प्याज है। हमारे पास लहसुन और प्याज इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल आसानी के साथ। और हमारे पास धनिया है, बिल्कुल फ्रेश धनिया लेना है बिल्कुल आसानी के साथ। ये बन जाती है, मजे की बनती है, इतना टेस्टी बनती है कि यकीन करें आप खा के झूम उठेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देखें इसमें मैं बेसन डालूंगा, हसब जरूरत बेसन डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल मिकदार को बराबर रखना है। कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देखिए मेरे पास तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून मैं इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर डालूंगा। तो ये बिल्कुल इसका मिक्सर बना लेंगे। तकरीबन हम हाफ टेबल स्पून मेरे पास नमक है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें पानी डाल देंगे, उतना पानी डालेंगे कि बिल्कुल इसे जो है पतला भी नहीं करना, बिल्कुल इसे गाढ़ा भी नहीं करना, बिल्कुल उसी तरीके के साथ पानी डालते रहें। थोड़ा सा आटा भी रखें ताकि कम ज़्यादा हो तो आप डाल सकें। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल हमारा जो पेस्ट है बन चुका है। तो ये आसानी के साथ ये बन जाते हैं, पकौड़ा बनाना बहुत ही आसान है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देखें अल्हम्दुलिल्लाह से दुरूश का वित करते हैं ताकि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में आपके ज़ायकों में बरकत डाले। तो देखें हमारे पास आधा किलो जो है घी है, घी को अच्छे तरीके के साथ बॉयल कर लेंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसमें मैं पकौड़े डालूंगा। तो देखें ये बेसन को इसमें डाल दूंगा। तो माशाल्लाह से देखें, लुक देखें, वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जिसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इसमें कलर आना शुरू हो गया है। आपको नजर आ रहा, यकीन करें इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही है। तो माशाल्लाह से जब ये फुल ब्राउन हो चुका है तो माशाल्लाह से आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल पककर तैयार हो गई। अगली रेसिपी तक मोहम्मद अबकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दें। अल्लाह हाफिज़।